हमारा फील्ड ऑफिसर स्क्रीनिंग के दौरान 18 सितंबर को एरिया स्क्रीन कर रहे थे, जहां मंगोलपुरी फ्लाईओवर में एक हरिओम नाम का प्रेजेंटिव मिला, जिससे स्क्रीनिंग के दौरान उससे बात करते वक्त पता चला कि उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उसे कॉन्टीन्यूसली खांसी आ रही थी, और खांसने में मतलब वो इतना बीमार था कि वो बोलने से पहले 10 बार तो खांस रहा था, और उसके बाद वो बोल भी नहीं पा रहा था ठीक से। जिसमें हमें पता चला कि उसके जो लक्षण उससे पूछे गए हमारे फील्ड ऑफिसर के द्वारा कि आपको बुखार आ रहा है या कितने दिन से खांसी आ रही है और कब से यहाँ रह रहे हो, ये सब चीज़ें जो एस4 जो सिम्टम्स होते हैं टीवी के उससे पूछे गए, तो उससे हमें थोड़ा कन्फर्म हुआ कि हाँ वो टीवी पेशेंट हो सकता है। जिसके बाद हमने उसको इलाज के लिए पास के चेस्ट क्लिनिक में ले जाने का फ़ैसला किया, और उसे मनाया, उसे बताया उस बीमारी के बारे में कि आपको इस तरह से परेशानी हो सकती है, आपको इलाज कराना चाहिए। वो एग्री भी हुआ क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब थी, इसलिए वो ईज़िली मान गया। जिसके बाद हम उसे नियर की चेस्ट क्लिनिक लेकर गए, संजय गांधी चेस्ट क्लिनिक, डेट ऑन 20th September, और फिर वहाँ पर हमने उसको जांच के लिए एक कंटेनर दिया। कंटेनर के बाद हमने उसको 25th September को 2023 में एक्सरे के लिए बुलाया, जहाँ उसका एक्सरे कंडक्ट करवाया। आफ्टर अ फ्यू डेज ऑन 30th September 2023 उसको टीबी डायग्नोज हो गया, हमें पता चल गया कि वो पेशेंट वाकई में टीबी पेशेंट है। जिसके बाद हमने उससे बताया कि आपको टीवी पॉजिटिव आया है और आपको दवाइयाँ स्टार्ट करनी पड़ेंगी, क्योंकि आप अगर दवाई नहीं लेंगे तो आपके साथ क्या हो सकता है, और दवाई खाएंगे तो कितने दिनों में टाइम ठीक हो जाएंगे, कब तक हो जाएंगे, या कैसे आपको रहना है, इसको हमने सारी इन्फॉर्मेशंस दी कि उसके लिए क्या सही और क्या गलत है। वो एग्री हो गया, बट जैसे ही हमने उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कराना चाहा, तब हमें मेन प्रॉब्लम वहाँ से स्टार्ट हुई। तो जो मैं नाम तो नहीं लेना चाहता, बट पॉइंट था कि इसमें जो वहाँ का TBHB था, जो डॉट प्रोवाइडर जिसे कह सकते हैं, उसने डिनाई कर दिया उसे मेडिसिन देने से कि मैं इसे दवाई नहीं दूंगा, ये कहते हुए कि एक तो ये होमलेस है, प्लस ये दवाई का कोर्स पूरा भी नहीं करेगा, मेरी सरदर्दी बढ़ाएगा, प्लस उसके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, ना कोई उसका रेजिडेंस है कि वो कहीं फिक्स रहता हो कि कल को अगर ये दवाई छोड़ देगा तो मुझ पे प्रॉब्लम हो जाएगी, अगर ये इसके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं हुए तो हमें से DBT देने में प्रॉब्लम आएगी, और इसको हम फॉलोअप करने जाएंगे तो इसका कोई ठिकाना भी नहीं रहेगा। ये बात बोलकर उसने डिनाई कर दिया पेशेंट को दवाई देने से। ये इसी चेस्ट क्लिनिक में जहां लेके संजय गांधी चेस्ट क्लिनिक। अच्छा, और ये करते क्या हरिओम जी? सॉरी मैं मिस कर गया, ये कुछ नहीं करते हैं, अपना मतलब गुजारा मांग कर करते हैं, और प्लस हैवी ड्रिंकर हैं, अल्कोहलिक हैं। ऐसे इनका कोई जहां वो रह रहे हैं मंगोलपुरी फ्लाईओवर के नीचे, वहाँ पर कोई एक चाय वाली आंटी है, तो वो कभी कभी उनको खाना दे देती है, अदरवाइज वो मामकर अपना भरण पोषण कर रहे हैं। और ऐसे ही सड़क पे सोते हैं फ्लाईओवर के नीचे? फ्लाईओवर जी। देन उसके बाद जब हमें जो हमारा फील्ड ऑफिसर था उसको ये पता चला कि वो उसको दवाई देने से मना कर रहे हैं, तो वो अगले दिन फिर गई कोशिश करने के लिए, क्योंकि उसे अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो देख नहीं पा रहे थे उस पेशेंट को कि अगर हमने इसे छोड़ दिया तो ये 4 लोगों में और फैलाएगा, प्लस इसकी जान भी जा सकती है, क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। जिसके चलते वो नेक्स्ट डे फिर गई, LT से फिर से बात की, LT से की, TBHB से की, बट कोई एग्री नहीं हो रहा था, बिकॉज वो होमलेस था, प्लस डॉक्यूमेंटेशन नहीं थी और कोई रेजिडेंस नहीं था। फिर उसने मुझसे बात की, शी टोल्ड मी अबाउट एवरी थिंग इन दिस टाइप, तो मैंने फिर उसे सजेस्ट करते हुए हम DTO से मीटिंग की, हम जिसमें हमने DTO को सारे सिनेरियो बताए, तब DTO सर ने हमें गाइड करते हुए, सपोर्ट करते हुए थोड़ी चीज़ें क्लियर की कि आप कोशिश करो कि कुछ इसका रेजिडेंस का हो जाए, जो कि हमारे ऑलरेडी प्रोसेस में है, हमारा जो प्रोग्राम है हमारा, इस प्रोग्राम में ऑलरेडी ये चीज़ है कि हमें अगर होमलेस पीपल मिलता है तो उसको कैसे हैंडल करना है, उसको कहाँ एनरोल करना है।
तो हमने DTO से स्पेशली बात की इस चीज़ को लेकर, देन उसके बाद हम इस काम में लग गए। और जो हमारी फील्ड ऑफिसर थी वो अपना आपको मतलब पूरा इंक्लूड कर चुकी थी इस पेशेंट के साथ, ताकि उसका अच्छा रिजल्ट निकले या उसको कोई ऐसी बात ना हो, क्योंकि वो इन्वॉल्व हो गई थी उसके साथ। देन उसके बाद हम इसको नियर के केयर टेकर, सॉरी नाइट शेल्टर में लेकर गए, वहाँ पर इसको एनरोल कराने के लिए। वहाँ जाने के बाद ये मंगोलपुरी आर ब्लॉक का नाइट शेल्टर था, तो वहाँ पर हमने केयर टेकर से बात की। केयर टेकर ने भी मना कर दिया इसको रखने से। केयर टेकर ने बोला कि ये टीबी पेशेंट है, मैं इसको हैंडल कैसे करूँगा, प्लस इसके पास सच में कोई रेजिडेंस नहीं है, कोई आगे पीछे नहीं है, कल को कोई बात हो गई तो हाउ, मतलब मैं भी इस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाऊँगा। बट फील्ड ऑफिसर ने हार नहीं मानी और कोशिश की कि उसका अच्छे से इलाज हो और उसको घर मिल जाए। बहुत रिक्वेस्ट करने पर, बहुत समझाने पर केयर टेकर एग्री हुआ और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे फील्ड ऑफिसर ने ली, ये बात बोलते हुए कि इसकी सारी जिम्मेदारी मैं लूँगी और मैं हुमाना में काम करती हूँ, हुमाना भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी, जिसके कारण केयर टेकर एग्री हुआ उस पेशेंट को वहाँ रखने के लिए। आगे चलने पर हमें पता चला कि हमने उसे एनरोल तो करा दिया, फिर हमने TBHP से बात की तो वो फिर भी आनाकानी करते रहे कि हाँ एनरोल होने से क्या होगा, वो तुम्हारा रहेगा फॉलोअप में, तुम्हें ईजी होगी, हमें हमारा क्या रोल रहेगा। तो हमने फिर डिस्कशन किया आपस में DTO से, तो हम सजेशन लिया दोबारा से। फिर हमने कोशिश की केयर टेकर को अपने फेवर में लेने की, हमने उसे हुमाना का पूरा रोल बताया दोबारा से कि हाँ सर अगर आप हेल्प करोगे तो किसी की जान बच जाएगी, अगर जान बच जाएगी तो आपको भी दुआ लगेगी और हमारा तो चलो कोई बात नहीं, बट आपका ज़्यादा मेन रोल है इसमें। देन हमने केयर टेकर को खूब समझाया, उसको एग्री किया, फिर उसने केयर टेकर ने अपने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए, एक अच्छा अपने आप को अच्छा प्रतीत करते हुए, अच्छा व्यक्ति या ह्यूमैनिटी दिखाते हुए वो एग्री हुआ कि मैं अपने डॉक्यूमेंट शेयर करूँगा, अगर इसकी दवाई स्टार्ट हो जाएगी तो इससे अच्छा और क्या होगा, किसी की जान बच जाएगी। जिसके बाद हमें एक चैलेंज और आया DBT को लेकर, क्योंकि वो होमलेस था, उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं थे, तो हमें उसका एक चैलेंज कंप्लीट करना था कि उसका बैंक अकाउंट ओपन करना था, क्योंकि हमारे पास रहने को तो मिल गया और हमें डॉक्यूमेंट भी केयर टेकर देने को प्रोवाइड हो गया, क्योंकि TBHP इस बात से एग्री हो गया था कि आप किसी का भी कार्ड ला कर दे दोगे या एड्रेस दे दोगे हमें, तो हम उसके थ्रू उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करा देंगे। जिसके बाद हम गए, फिर हमारा नेक्स्ट चैलेंज आया कि बैंक अकाउंट ओपन कराना, उसमें भी हमने बहुत मतलब स्ट्रगल किया इस चीज़ को लेकर, और सबसे ज़्यादा स्ट्रगल तो पेशेंट कर रहा था, बट साइड बाय साइड हुमाना का फील्ड ऑफिसर, जिसको मतलब उससे कोई लेना देना नहीं, बट एक उसको देखकर उसे रहा नहीं जा रहा था कि उसकी तबीयत ख़राब है, जैसे जैसे इस पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट हो इसकी जान बचे, तो वो पार्ट बहुत मतलब क्रिटिकल था हम लोगों के लिए और बहुत चैलेंजिंग था। जिसके बाद हमने फिर से ही केयर टेकर को बहुत परेशान किया इस चीज़ को लेकर। केयर टेकर ने अपना पूरा सपोर्ट दिया, जो कि हमारे साथ बैंक तक गया, बैंक वाले भी हमसे थोड़ा सा मतलब कटने थे कि हाँ ये होमलेस है कैसे कर देंगे हम, बट फिर भी एनी हाउ चैलेंज करते हुए, फाइट करते हुए हमने उसका बैंक अकाउंट भी ओपन कराया, जिसकी डिटेल मैं आपको दे सकता हूँ अगर आप चाहो, ठीक है। जिसके बाद हमारे पास फिर तीनों चीज़ों का, जब हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट हो गए और हमारे एफ़र्ट्स को देखते हुए, फिर TBHP को हमने रिक्वेस्ट की और हमारे एफ़र्ट्स को देखकर TBHP एग्री हो गया उसकी दवाई को स्टार्ट करने के लिए। अब मेन चैलेंज जो आता है हमारे पास वो था उसका खान पीन का देखना, कि न्यूट्रिशन का हम कैसे करें, डाइट कैसे करें। फर्स्ट इसका जब हमारे सारे डॉक्यूमेंट स्टार्ट हो गए, तो हमारा इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ 4th of October को, I'm not confirmly, हाँ अक्टूबर। और फील्ड ऑफिसर का नाम ममिता। देन TBHP से कंसेंट करने के बाद उसका अक्टूबर के फर्स्ट वीक में उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ और हमने उसे फिर नाइट शेल्टर आर ब्लॉक के नाइट शेल्टर में रेजिडेंट दिलाया,
इस तरह से हमने उसका बैंक ओपन कराया और न्यूट्रिशन के लिए हमने फिर केयर टेकर से बात की। उसने हमें सजेस्ट किया कि कुछ खाना जो हमारे नाइट शेल्टर में आता है हम उसको प्रोवाइड करा देंगे। जिसके बाद कुछ नहीं भी हो पाएगा तो उन्होंने एक हमें पास में एक एनजीओ थी उनसे इनरोल कराया कि अगर इसको खाना हमारे यहाँ से कम मिलेगा या नहीं मिल पाएगा या इधर उधर चला जाएगा एनी हाउ तो हम यहाँ से भी इसको दिलवा सकते हैं एनी हाउ, या लेट आता है नहीं रहता है एनी हाउ। तो उसने इस तरह से हेल्प की। जिसके बाद इसका स्टार्ट हुआ जब अक्टूबर में फर्स्ट वीक में चैलेंजेस आए दवाई को स्टार्ट करते वक्त। इसको हरिओम पेशेंट का नाम है शायद मैंने बताया, ठीक है। तो हरिओम ने जब दवाइयाँ स्टार्ट की तो फर्स्ट वीक में दवाइयाँ खाते हुए इसको एलर्जी होने लगी, जैसे इचिंग होना, पेशाब में लाल पन आना, बलगम में खून आना और बेचैनी होना, उल्टी आना, ये सब सिम्टम्स इसको नज़र आने लगे फर्स्ट वीक में। जिसके कारण हरिओम जीने की चाहत में चाहता तो था लेकिन इन परेशानियों से वो मना कर रहा था कि मैं दवाई नहीं खा पाऊँगा, मेरे साथ ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो रही है और मैं खाना नहीं चाहता। फिर हमारे फील्ड ऑफिसर ने उसे बहुत दोबारा से डीपली समझाया कि अगर आप दवाई नहीं खाओगे तो आपकी डेथ हो सकती है, और अगर नहीं खाओगे तो आप क्या ज़िंदगी में क्या लक्ष्य रह जाएगा, कैसे रहोगे। और जो कि अल्कोहलिक भी था तो थोड़ा थोड़ा दवाई के साथ ड्रिंक भी कर लेता था, इसको और मोबिलाइज़ किया और ज़्यादा समझाया, जैसे तैसे करके ये एग्री हुआ और उसे समझाया कि अगर आप दवाई पूरी कर लोगे तो आपको बेनिफिट रहेगा आपकी लाइफ में। बहुत सी चीज़ें ऐसे समझानी पड़ी जिससे इसको मोबिलाइज़ करने के बाद ये अपना कोर्स करने को एग्री हुआ दोबारा से। हमारी बातें सुनकर वो मानता रहा कि हाँ चलो खानी चाहिए नहीं खानी चाहिए, जब वो इतना एफर्ट कर रहे हैं, मेरे लिए फ़ाइट कर रहे हैं, घर दिला रहे हैं, मेरा कार्ड बनवाया है, दवाइयाँ स्टार्ट कराई है, मेरा अकाउंट खुलवाया है, तो मुझे भी थोड़ा एफर्ट दिखाना चाहिए। जिसको देखते हुए उसने दवाइयाँ खाई, अपना कोर्स पूरा किया और इन मार्च उसका कोर्स पूरा हुआ 6 महीने का। जिसके बाद अब वो बहुत अच्छा है, अभी भी नाइट शेल्टर में रह रहा है और हम लोगों से मिलता है तो खुश होता है इस चीज़ को देख कर। तो अब इसके बाद जब कंप्लीट हो गया उनका ट्रीटमेंट तो फिर टेस्ट उनका हुआ कि तुम्हारा मैम कंप्लीट होने के बाद उसका टेस्ट हुआ, क्योर के लिए उनका पूरा मतलब आउटकम आता है, आउटकम में क्योर भी आया। अच्छा, और क्या टेस्ट हुआ फिर बाद? लास्ट में मैम उनका ट्रूनेट हुआ है। ट्रूनेट जी। और जो पहला स्प्यूटम टेस्ट हुआ था वो कैसे हुआ था? स्प्यूटम टेस्ट कैसे हुआ था मैम? AFB हुआ था पहला। अच्छा, और फिर एक्सरे भी हुआ? एक्सरे भी हुआ मैम, ये दोनों चीज़ें कंपलसरी होती है स्टार्टिंग स्टेज में, एक्सरे और स्पूटम स्टार्टिंग में होना ज़रूरी होता है। और अब ट्रीटमेंट कंप्लीट है और वो क्योर है मैम, अभी भी नाइट शेल्टर में रह रहा है। इंसानियत के नाते सर मैंने पहले भी टीवी पे काम किया है बट इस पॉपुलेशन पे नहीं किया था। और टू बी वेरी ऑनेस्ट जब मैं फील्ड पे खुद से जाता हूँ तो मुझे खुद से दिखता है कि चैलेंज के कितनी मतलब गरीबी में के बावजूद भी लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और बीमारियों से रहते हुए भी, साथ में रहते हुए भी, मतलब अपनी ज़िंदगी को व्यापन करने के लिए कैसे कैसे सिचुएशंस फेस करते हैं वे लोग। और मतलब हमें खुद से प्राउड फील होता है कि हम किसी की ज़िंदगी बचाने में इतना ही सही लेकिन कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं, तो बहुत बहुत अच्छा फील होता है जब हमारी वजह से किसी की जान बचती है। और जब वो हमें मिलते हैं तो खुशी से देखते हैं, नज़रों से देखते हैं, वी आर एज अ ह्यूमन, बट वो हमें एज अ डॉक्टर फील करते हैं कि हाँ इन्होंने मेरी जान बचाई थी तो ये डॉक्टर है, तो वो चीज़ थोड़ा इम्पैक्ट करती है लोगों में।